हाय दोस्तों, मैं सुखवीर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको अंग्रेजी शब्द पढ़ने नहीं आते हैं तो बने रहिए आप इस वीडियो के अंत तक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वोवल आई के साथ चार अक्षर वाले अंग्रेजी शब्दों का सही उच्चारण कैसे करते हैं, यानी आई के साथ कई कई उच्चारण आते हैं तो कौन सा रूल कहाँ पर लगेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे, आराम से आप चार अक्षर पांच अक्षर वाले शब्दों को आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बी आई के ई, आई के बाद एक अक्षर छोड़कर जब ई आता है तो ऐसे शब्दों में हम आई का उच्चारण आ ई से करते हैं। जैसे बाइक, बाइक, एफ आई आर ई। अगर वही जो अक्षर हम छोड़ते हैं के की जगह पर आर है, देखना के की जगह पर क्या है, आर, तो ऐसे शब्दों में हम आई का उच्चारण आ ए से करते हैं। आ यानी आ की मात्रा और ए। फायर, फायर, एम आई एल के। मिल्क, मिल्क। अगर चार अक्षर वाले शब्दों में तीन कॉन्सोनेंट हैं और एक ही वोवल है आई, अगर या आगे दो हैं या पीछे दो हैं, तो ऐसे शब्दों में हम हमेशा तीन अक्षर वाले शब्दों की तरह ही इसमें यूज करते हैं आई को, छोटी ई की मात्रा से। जैसे मिल्क, अगर मैं आपको आगे समझाएंगे इसमें और काफी यहां भी एक एक यहां पर उदाहरण के लिए ले लिया है समझाने के लिए आपको। बी आई आर डी, अब आई के बाद दो अक्षर तो है, पीछे आर डी, लेकिन बीच में क्या है, आर है, तो इसमें हम अका साउंड करते हैं, अ, आई से अका साउंड। जैसे बर्ड, बर्ड, पी आई ई सी ई, यानी अगर एक साथ ई, सॉरी आई और ई आता है तो उसमें हम बड़ी ई की मात्रा से उच्चारण करते हैं। किससे, बड़ी ई की मात्रा से। जैसे सीज, सीज, F I G H T। अब देखिए इसमें F I G H T, जब एक साथ G H T आते हैं, I G H T, तो इसमें G H साइलेंट रहता है। काफी वर्ड्स हैं, आगे में बताएंगे आपको। और I का उच्चारण आता है आ ए, यानी आ की मात्रा और छोटी ई, तो एफ से लिखेंगे फ, आई से लिखेंगे आ की मात्रा फपे और ई, और जी एच को साइलेंट रखेंगे, इससे हम कुछ नहीं लिखेंगे, और ट से लिखेंगे टी, फाइट, फाइट, एम आई एन डी, या फिर लास्ट में एन डी है, एन डी, आई एन डी है, तो ऐसे शब्दों में भी हम आई का उच्चारण ही करते हैं। एन डी है, एल डी है। माइंड, माइंड, डब्ल्यू आई एल डी। वाइल्ड,
वाइल्ड ऊपर वाले शब्द में एनडी है और इसमें क्या है एलडी, तो एलडी अगर लास्ट में है या एनडी है तो वहां पर भी हम आई का उच्चारण आ ई से करते हैं, आ की मात्रा और ई से। एन आई सी ई, नाइस नाइस। एस आई जेड ई, साइज साइज। बी आई टी ई, बाइट बाइट। टी आई एम ई, टाइम टाइम। यहां पर हमने और भी वर्ड्स लिखे रखे हैं, चलिए इनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। एल आई एफ ई, लाइफ लाइफ। एफ आई एन ई, फाइन फाइन। एच आई डी ई, हाइड हाइड। एल आई एफ टी, लिफ्ट लिफ्ट। यहां पर देखिए एक ही वोवल है, यहां पर एक ही वोवल है। इससे पहले जैसे हाइड लिखा हुआ है, इसमें आई वोवल है, लास्ट में ई वोवल है, तो इसको हम आ इसे पढ़ेंगे। अब इसमें एफ टी दोनों कॉन्सोनेंट हैं, केवल एक वोवल है, तो इसको हम तीन अक्षर वाले शब्दों की तरह पढ़ेंगे। तो तीन अक्षर वाले शब्दों में हम हमेशा आई को छोटी की मात्रा से पढ़ते हैं। लिफ्ट, एल आई के ई, लाइक लाइक। एल आई वी ई, लाइव लाइव। के आई टी ई, काइट काइट। टी आई डबल एल टिल टिल। डब्ल्यू आई एफ ई, वाइफ वाइफ। एफ आई एल ई, फाइल फाइल। पी आई एल ई, पाइल पाइल। एच आई डबल एल हिल हिल। बी आई आर डी बर्ड
बर्ड एफ आई आर एस टी फर्स्ट फर्स्ट एफ आई आर ई फायर फायर टी आई आर ई टायर टायर डी आई आर टी वाई डर्टी डर्टी डी आई आर टी डर्ट डर्ट एच आई आर ई हायर हायर डी आई आर ई डायर डायर एस एच आई आर टी शर्ट शर्ट टी एच आई आर डी थर्ड थर्ड डब्ल्यू आई आर ई वायर वायर एल आई ओ एन लायन लायन एफ आई ई एल डी फील्ड फील्ड एफ आई जी एच टी फाइट फाइट एन आई जी एच टी नाइट नाइट एम आई एन डी माइंड माइंड एस आई ई जी ई सीज सीज एल आई जी एच टी लाइट लाइट एम आई जी एच टी माइट माइट एफ आई एन डी फाइंड फाइंड एन आई ई सी
ई, नीस, नीस, आर आई जी एच टी, राइट, राइट, टी आई जी एच टी, टाइट, टाइट, डब्ल्यू आई एल डी, बाइल्ड, बाइल्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।